Hi friends, how are you all? Welcome back to my channel अश्विनी अनंत गोखले. और देखिए अभी आज मैं आपको एक हेयर मास्क दिखाने वाली हूँ जिससे आपके बाल जो है वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होंगे, उसकी हेयर ग्रोथ भी बढ़ेगी और डैंड्रफ भी पूरी तरीके से निकल जाएगा. तो उसके लिए आपको कुछ नहीं चाहिए, जस्ट टू एग्स चाहिए और एक इसेंशियल ऑयल, क्योंकि एग्स में से बहुत गंदी स्मेल आती है इस वजह से. और आपको लेनी है साइड बाय साइड ये बायोटिन की टैबलेट्स. तो अगर आपको सीवियर हेयर फॉल है और हेयर ग्रोथ नहीं हो रही है तो ये जो अभी मैं फॉर्मूला दिखा रही हूँ वो बहुत ज़्यादा वर्क करता है टू स्टॉप योर हेयर फॉल. तो मैं ये हमेशा यूज़ करती हूँ, तो मैं आज आपको करके दिखाती हूँ मैं किस तरीके से इसे अप्लाई करूँगी और हेयर ग्रोथ जो है वो बढ़ेगी. वो आपको दिखाएंगे हम कि कैसे हेयर ग्रोथ जो है वो बढ़ रही है. तो जस्ट मैंने लिया है एक एक. ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव फॉर्मूला है और इसमें मैं ऐड करूँगी ये रोज़मेरी का इसेंशियल ऑयल. आप कौन सा भी इसेंशियल ऑयल इसमें यूज़ कर सकते हैं. सो आप चाहिए तो इसमें थोड़ा सा ऑयल भी मिक्स कर सकते हैं. सो मैं इसमें थोड़ा सा कोकोनट ऑयल भी मिक्स कर रही हूँ, जस्ट थोड़ा सा. तो दो अंडे ले रही हूँ मैं, क्योंकि मेरी हेयर ग्रोथ जो है वो बहुत अच्छी है अभी. थोड़ा सा ऑयल और इसे अच्छी तरीके से फेंट लेंगे हम. ये रोज़मेरी इसेंशियल ऑयल जो मैंने अभी डाला है उसकी वजह से इसको, इस पैक को यानी बिल्कुल भी स्मेल नहीं आ रही. नहीं तो एक गंदी सी स्मेल आ जाती है आप जब एग यूज़ करते हैं स्पेशली. तो ये एक नेचुरल कंडीशनर की तरह भी काम करता है आपके बालों के ऊपर. सो जस्ट इस तरीके से अप्लाई करना है. Thank you.
कम से कम महीने उनके रेडी हो जाता है। इस तरीके से आटा जो है वो भी गूंद के रेडी है, सब्जी जो है वो भी रेडी है। और अब हम जा रहे हैं घूमने के लिए। तो जस्ट हम पार्क में जाके घूम के आए हैं अभी। तो मैंने आज फाइव राउंड से स्टार्ट किया है, क्योंकि पैरों में दर्द जो है वो आज मुझे कम लगा, इसलिए मैंने स्टार्ट किया थोड़ा थोड़ा वॉकिंग करने के लिए। और घर पे आने के बाद अभी फिर से कुकिंग चालू करना है, तो मैं दिखा देती हूँ आपको। यहाँ पे मैंने दूध रखा है गर्म करने के लिए, और रोटियाँ अभी बनानी है मुझे, तो मैं अभी रोटियाँ बनाना स्टार्ट करूँगी। तो यहाँ पे मैंने सब पीने की पानी की बॉटल्स भर के रखी है, और जो बर्तन है वो मांझ लिए हैं, और एक हाफ इतनी सी रोटी बच गई है, ये अभी मैं डॉग को दे दूँगी। बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं नेचुरल तरीके से कर्ल करती हूँ, विदाउट हीट यूज करके कर्ली करती हूँ बालों को। तो इसको थोड़ा टाइम लगता है, यानी आपको चोटियाँ बनाने में ही ज़्यादा टाइम लग जाता है, बाकी तो प्रोसीजर अपने आप हो जाती है। थोड़े से बाल गीले होने के टाइम ही आप इस चोटियों को बांध के रख दीजिए एटलीस्ट फॉर 7-8 आवर्स, और आप अच्छी कर्ल्स पा सकते हैं। तो मैं इस तरीके से बनाती हूँ, बहुत बार बनाती हूँ। सो गाइस, मैं करती हूँ यहाँ पे मेरा ये आज का ब्लॉग ख़त्म, और मिलती हूँ आपको कल विथ अ न्यू वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, सब्सक्राइब,
लाइक एंड कमेंट. लव यू ऑल.